अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं राबी खान एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आई होप कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो वीडियो है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ग्लैमरस फेस के फेस पाउडर के बारे में है जो कि आपके सामने मौजूद है। तो इस पाउडर के बारे में आपको बताती चलूँ कि इसमें SPF 35 मौजूद है जो कि आपको अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। और ये टू वे केक फाउंडेशन है। आप अगर चाहें तो इसे जो है पाउडर फॉर्म में ही अप्लाई कर सकते हैं किसी भी फाउंडेशन के ऊपर, ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। और अगर आप इसको सिर्फ पाउडर फेस से फेस पाउडर ही लगाना चाह रहे हैं तो भी आप इसे लगा सकते हैं, तो भी बहुत अच्छा इफेक्ट देगा लाइट वेट डे लुक के लिए। और अगर आप इसे एज अ फाउंडेशन लगाना चाह रहे हैं तो आप इसे वेट स्पंज के साथ लगा सकते हैं। ये आपको थोड़ी थिक एप्लीकेशन देगा, लेकिन इससे पहले जो है वो आप अपने फेस को अच्छे से प्रेप प्राइम कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ड्राई फेस पे इसे वेट स्पंज के साथ लगाएंगे तो थोड़ी देर में ही क्रैक्स पड़ने आपके फेस के ऊपर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मेरे पास जो है वो ये शेड, आपको शायद नज़र ना आए, ये शेड 3 है मेरे पास। ठीक है, ग्लैमरस फेस का दोनों तरह से अप्लाई करके दिखाऊँगी, पाउडर फॉर्म में भी और वेट स्पंज के साथ भी। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। देखें गाइस, ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। ये शेड 3 है, मैं दोबारा बता दूं आप लोगों को, मेरे पास जो शेड है ग्लैमरस फेस के फेस पाउडर का। तो पहले मैं इसकी ड्राई एप्लीकेशन करूँगी, यानी सिर्फ मैं इसे एज अ पाउडर अप्लाई करूँगी। मेरे हाथ पे कुछ भी इस वक्त लगा हुआ नहीं है, सिर्फ मैंने मॉइस्चराइज़ किया हुआ अपने हैंड को। तो पहले मैं इसे एज अ पाउडर फॉर्म में अप्लाई करूँगी। मैं क्योंकि ब्रश से अप्लाई करती हूँ तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर चाहें तो आप स्पंज से अप्लाई कर लें, कोई मसला नहीं है, एप्लीकेशन दोनों ही तरह से अच्छी ही देगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। एक अच्छा सा अमाउंट मैंने इसका जो है वो ब्रश में ले लिया है। अब मैं इसे अप्लाई करूँगी अपने हाथ पर। ये मैं आपको फिर बता दूं कि मैंने अभी सिर्फ ये से पाउडर फॉर्म में अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, देखिए कितना फ़र्क है, आप खुद देख रहे होंगे किसने मेरी स्किन को बिल्कुल कवर कर दिया। हालांकि मैंने इसे सिर्फ जो है वो मॉइस्चराइजिंग के बाद मैंने इसे अप्लाई किया है। मैंने अपने हाथ पे ना ही तो कोई प्राइमर लगाया हुआ था और इसके अलावा भी कोई प्रोडक्ट अप्लाई नहीं की हुई थी। ये सिर्फ पाउडर फॉर्म का रिज़ल्ट है। अब मैं आपको वेट करके फिर अप्लाई करके दिखाती हूँ। अच्छा, वेट बेस के तौर पे लगाने के लिए आपने पाउडर को गीला नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पाउडर गीला करेंगे तो पाउडर ख़राब हो जाएगा। आपने जो भी चीज़ें चीज़ से भी आप लगा रहे हैं, चाहे ब्रश से लगा रहे हैं चाहे स्पंज से लगा रहे हैं, आपने ब्रश या स्पंज को गीला करके फिर अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैंने अपने ब्रश को वेट कर लिया अच्छी तरह से। अब मैं प्रोडक्ट लूँगी ब्रश के ऊपर और फिर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊँगी। मैंने इस वेट एप्लीकेशन के लिए भी इस पाउडर की मैंने अपने हाथ को मॉइस्चराइज़ किया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मॉइस्चराइज़ ही किया है। ठीक है, मैं अब अप्लाई कर लेती हूँ इसे वेट एज अ वेट बेस। ड्राई होने में ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना। बग़ैर मॉइस्चराइज़र प्राइम किए आप इसे एज अ वेट बेस नहीं लगाइएगा, क्योंकि अगर आप बग़ैर प्राइम और बग़ैर मॉइस्चराइज़ किया अपने फेस पे इसे अप्लाई कर लेंगे तो फिर ये थोड़ी देर में ही क्रैक होना स्टार्ट हो जाएगी आपकी बेस। जितनी थिक एप्लीकेशन आप चाह रहे हैं उतनी प्रोडक्ट जो है वो आप अपने ब्रश या स्पंज पे लीजिए। देखिए, आप देख रहे होंगे कि मैंने थोड़ी सी जगह आपको दिखाने के लिए बीच में अपने हाथ की अलहदा से छोड़ी है, ताकि आपको पता चल जाए कि कितना डिफरेंस है इन दोनों में। आप देख रहे होंगे ये जो है
ये हमारा पाउडर का रिज़ल्ट है, ग्लैमर स्पेस के पाउडर का। सिर्फ पाउडर लगाया, नीचे मॉइस्चराइज़ किया था मैंने और कुछ भी नहीं लगा था हाथ पे। और ये वेट बेस है, यानी टू वे केक की ये वेट एप्लीकेशन है और ये ड्राई एप्लीकेशन है। अभी भी ये गीला है, थोड़ा इसको ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपने परेशान नहीं होना है। लेकिन देखें दोनों ही एप्लीकेशन कितनी बेहतरीन है। और थोड़ा सा ये यहाँ से जो है वो डिफरेंट हो रहा है, तो मैं इसे स्मच कर लूँगी। देखें बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन देता है ये, और आप इसे जो है वो सिर्फ जो है एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर डे वेयर है आपके कहीं दिन में जाना चाह रहे हैं तो सिर्फ जो है आप एज अ पाउडर भी इसे किसी भी वैनिशिंग क्रीम के ऊपर अप्लाई करके जा सकते हैं। तो दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इन वीडियोज़ से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए राबी खान की तरफ से अल्लाह हाफिज़।